नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809906089 7523 8445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका 2024 का जो शेड्यूल्ड है मार्च के मंथ में, ठीक है, तो टाइम अब बेहद कम है। तैयारी आप जारी रखें, रिवीजन पे अब ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। इस पर्पज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में जो हमारा स्टडी मटेरियल है अराउंड 850 पेजेस, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज में एडमिशन ले सकते हैं, पेड क्विज में भी एडमिशन ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और हर बार हमारे एग्ज़ाम जो भी आपका एग्ज़ाम होता है हमारे मटेरियल से, स्पेशली पेड क्विज एंड टेस्ट सीरीज वगैरह से, कई सारे क्वेश्चन सीधे या फिर इंडायरेक्टली रूप से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ें और यहाँ पे इस सीरीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं यूट्यूब पे तो प्लीज़ इसको कंटिन्यूसली देखिएगा एग्जामिनेशन तक, या जितने भी पिछले वीडियोज़ हो चुके हैं आप उसको भी देखें, आपको काफ़ी हेल्प यहीं से मिल जाएगी अगर आप फ्री इनिशिएटिव के तहत ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला वीडियो। पूछा गया है सामरिक रूप से अवस्थित जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, ठीक है, स्ट्रेट है जिब्राल्टर, तो इसमें से किस विकल्प के जो हमारे सागर हैं या नहर है इसको मिलाता है। मैप एक बार लोकेट कीजिएगा, ये जो है हमारा अटलांटिक और मेडिटेरियन, ठीक है, भूमध्य सागर जो है इसको एक तरीके से मिलाने का काम करता है और इसी के माध्यम से जो आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट है और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये सेपरेट भी होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक। तो प्लीज़ इसको एक बार मैप में देख लीजिए। वायुमंडल का क्षेत्र जो ज़मीन के नज़दीक है या निकट है क्या कहलाता है, ठीक है। तो हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है सबसे अपर लेयर, उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक लेयर हैं 5 मेनली हम जो पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे नीचे वाली कौन सी है कुल मिलाकर के, वही आपके नज़दीक होगी क्रस्ट के, तो कौन सी होती है, वो ट्रोपोस्फियर, ठीक। राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है, नेशनल फार्मर्स डे, तो ये मनाते हैं हम 23 दिसंबर को। एक दो फैक्ट इससे संबंधित हम देख लेते हैं। 23 दिसंबर को क्यों मनाते हैं, भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे थे चौधरी चरण सिंह, ठीक है, तो इनके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है इसे। और जो है एक किसान नेता के रूप में काफ़ी पॉपुलरली जाने जाते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने इनको भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की है, तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक। अगस्त 2023 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क जो हमारा बोर्ड है इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो CBIC है ना, इसके हमारे चेयरमैन बने थे संजीव कुमार अग्रवाल, ठीक, ये नाम ध्यान रखेंगे बस। इसमें से कौन सी जो है महाजनपद और राजधानी का युग्म इसमें से सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए 16 महाजनपद आप पढ़ते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की टेरिटरी जो वर्तमान है उसमें उस समय कितने अवस्थित थे, जिनकी संख्या है 8, ठीक है। तो इसके नाम हो सके तो एक बार देखिएगा, यहाँ पे अगर हम इसमें बात करें तो अंग वाला गलत है, ठीक है, अंग की कैपिटल जो थी चंपा थी, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी जो है वैशाली की, ठीक है, अन्य विकल्प हमारी ठीक है, इनको पहले देख लीजिए, तो वज्जी जो था है ना उससे संबंधित है वैशाली। यहाँ पे दो कथन हमारे पास है उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के संदर्भ में, कौन सा सही है ये देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 1947 में अस्तित्व में आया, तो पंचायत का एक एक्ट बना था, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस यूपी पंचायती राज एक्ट, ठीक है, तो ये कथन हमारा ठीक है। सेकेंड है कि यूपी में क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम ये 1961 में बना, तो ये मई 1961 में बना था, ये बात भी ठीक है, दोनों कथन ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोनों ही। ओजोन गैस की परत हमारी रक्षा इसमें से किस चीज़ से करती है, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में हमारी जो स्ट्रेटोस्फीयर में आप देखते हैं ओजोन लेयर है, तो सूर्य से आने वाले जो हमारे ये कह सकते हैं हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको हमारे शरीर तक पहुंचने से प्रोटेक्ट करता है ना, तो
तो बाकी अगर जैसे कि इसके कह लीजिए हम उसमें आते हैं कॉन्टैक्ट में हार्मफुल अल्ट्रा ये वॉयलेट जो रेज हैं, तो ये स्किन कैंसर वगैरह डिजीज़ को प्रमोट करता है, तो इससे प्रोटेक्शन मिलती है हमें। नेक्स्ट है रैमजेट के विषय में दो कथन है, सही को देखना है। रैमजेट बेसिकली जो हमारे ये हाई स्पीड एयरक्राफ्ट होते हैं, ठीक है, उनमें यूज़ होता है। तो एक प्रकार का ये होता है आपका, कह सकते हैं एयर ब्रीदिंग जेट इंजन, है ना, पहला कथन ठीक है। सेकंड है गति बढ़ने पर रैमजेट की क्षमता घट जाती है, तो ये बात ठीक है। यहाँ पर रैमजेट के कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे स्टैटिक कंडीशन में थ्रस्ट जो होता है वो इसका ये रैमजेट इंजन जनरेट नहीं कर सकता है, तो ये मतलब काफ़ी डीप है, इतना वैसे पूछते नहीं है इसमें, बस इतना दोनों ध्यान रखें, दोनों ही ठीक हैं। यहाँ पे कौन सा कथन सुमेलित है, ठीक है, तो आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य के बारे में विशेष प्रावधान है, और 71D में आंध्र और तेलंगाना, तो दोनों ही ठीक हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ना, 371 इसके अलावा 371A फिर 371B ऐसे करके कई सारे आर्टिकल हैं जिसमें अलग अलग राज्यों से संबंधित प्रावधान हैं, तो थोड़ा इसकी लिस्टिंग देख लीजिएगा, ये है ना, पूछ लेते हैं कई बार ऐसे मैच करने के लिए दे देते हैं। G20 का मेन समिट इंडिया में हुआ था सितंबर में, ठीक है, उससे पहले कई सारी वर्किंग ग्रुप्स जो थे अलग अलग उनकी मीटिंग्स होती थी, तो वही है कि एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप जो था उसकी तीसरी और अंतिम बैठक 9 से 11 अगस्त तक हुई थी, तो एक कहाँ पे हुई थी, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में हुई थी, कोलकाता में। द यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की थी, 1888 अराउंड में सर सैयद अहमद खान के द्वारा। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरस्कार जो है जीता है, यहाँ पे होना चाहिए था जीता, वर्ड मिसिंग है, तो ये मिला था इनको सविता पूनिया, ठीक है, हॉकी टीम से जो संबंधित है हमारे भारतीय। किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक, तो ये जो है वही टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा, थोड़ा इसके प्रावधान देखिए क्या है। हाल ही में जारी की गई इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 में देश में कौन सा राज्य युवाओं के बीच काम करने के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बनकर उभरा है, तो ये है केरला। हाल ही में खबरों में रहे एसएस क्विबो, इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे इसे, ये क्षेत्र है किन दो देशों के बीच में जो है विवाद के रूप में ये चर्चा में रहा, तो बेसिकली ये कि क्या है ऑयल रिज है ना एरिया है, और देशों का जो विवाद है तो गुयाना और वेनेजुएला है ना साउथर्न अमेरिका में, ऑप्शन फर्स्ट। हाल ही में वैज्ञानिकों ने चंद्रमा एनसेलाडस जैसे अर्थ का मून है ना, जिसका नाम ही है मून है ना, नेचुरल सैटेलाइट है, तो वैसे ही किसी ग्रह का एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है एनसेलाडस, इस पर हाइड्रोजन साइनाइड की पहचान की गई है, ठीक है, तो ये जो है किस ग्रह का चंद्रमा है संबंधित है, ये सैटर्न से शनि है ना, यहाँ पे रिसेंटली हाइड्रोजन साइनाइड की पहचान की गई, इस वजह से ये चर्चा में रहा था। 2023 के शास्त्रा है ना, इसका जो है इस मतलब स्थापना इस अवार्ड की गई थी, एक शास्त्रा डीम्ड यूनिवर्सिटी है इनके द्वारा, तो एक भारत से संबंधित रहे थे एक प्रमुख गणितज्ञ रामानुजम, ठीक है, तो इनके नाम से ही ये पुरस्कार दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, तो जो है ये दिया जाएगा इस बार, तो मतलब 2023 के लिए जो चुना गया था, इनका नाम है ना ये ऑप्शन बी में रुक्सियांग छांग, ऑप्शन बी, ये कौन है, तो ये उसमें कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के उत्पाद बेचने के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता किया अभी हाल ही में, तो इसमें ध्यान रखेंगे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इनके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ये मतलब अग्रीमेंट किया था रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने और जियो मार्ट है ना। एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है ब्रिक्स वर्सल्स, इनके द्वारा कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को हाल ही में विश्व स्तर पर सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के टर्मिनलों के रूप में मान्यता दी गई, तो अब ये बताना है कैंपेगौड़ा ये कहाँ पे स्थित है एयरपोर्ट, तो ये है बेंगलुरु में कर्नाटक।
अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में जो संचालन समिति है इसकी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय कौन है? तो ये महिला है, इस वजह से चर्चा में भी रहा था ये, तो इनका नाम ध्यान रख सकते हैं आप, वीटा दानी है ना। हाल ही में 2023 के टैगोर साहित्य पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? टैगोर लिटरेरी अवार्ड दिया गया था जो है सुकृता पॉल को, ऑप्शन बी। क्रिसमस अल्टीमेट खो खो सीजन 2 की मेजबानी वाले राज्य को चुनना है, तो खो खो का एक आयोजन है ये दूसरा सीजन उड़ीसा में। 19 दिसंबर 2023 को कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया है? तो ये उनको किया गया था जो है डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व जो राष्ट्रपति थे ना यूएस के। हाल ही में किस राज्य के रामबाग गेट और रैमपोर्ट्स परियोजना इसको यूनेस्को के सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस ये प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ये संबंधित हैं दोनों पंजाब से। अगला है फरवरी 2024 में विश्व ओडिशा भाषा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया या जाएगा? तो ये टाइम भी ध्यान रखना है और भुवनेश्वर में। दिसंबर 2023 में कुश्ती महासंघ जो है इसके अध्यक्ष के चुनाव हुए, तो उसके रूप में किसको चुना गया था? काफ़ी चर्चाओं में रहा था ये, संजय सिंह इनको चुना गया था। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार से जो है 2023 का किसको सम्मानित किया गया? संजीव, यहाँ पे इनका उपन्यास है मुझे पहचानो। उत्तर प्रदेश सरकार स्विट्जरलैंड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में आधुनिक गौशाला जिसका नाम है मनोरथा इसका निर्माण करेगी? तो इसमें ये ध्यान रखेंगे आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि मनोरथा का जो निर्माण हो रहा है किस देश के तर्ज पे, तो काऊ है ना जो ये गाय का कह लीजिए डोमेस्टिकेशन है स्विट्जरलैंड या यूरोप के कई देशों में काफ़ी अच्छा होता है, उसी आधार पे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये एक जो है कह लीजिए गौशाला आधुनिक रूप से मनोरथा नाम से जो है बनाई जाएगी। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग की एक रिपोर्ट है वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा, इस रिपोर्ट को आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा चाहे तो, इसको रिलीज किया था भूपेंद्र यादव ने, एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी जो हैं। हाल ही में अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने राज्य में स्वयं सहायता समूहों को बैंकिंग सेवाओं के लिए किस बैंक के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें जो है इसके SBI के साथ हुआ है इनका कोलैबोरेशन, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। इसमें देखें गलत विकल्प को चुनना है, कुछ हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और राज्य का नाम, तो देखते हैं सारे को पहले। यहाँ पे गलत है, कर्नाटक में इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, ये तमिलनाडु में है। अन्य विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। इसमें सही विकल्प हमको चुनना है फिर से ट्राइब और स्टेट का नाम, तो इसमें सही है जो है ये पवाई ट्राइब बना है ना, मिजोरम में पाई जाती है ये। गलत विकल्प चुनना है इसमें रीजनल कुछ फेस्टिवल्स का नाम है और क्या उसकी विशेषता है, तो जैसे लोसर तिब्बती नववर्ष है, उगादी तेलुगु नववर्ष है, माघ साजी जो है राजस्थान की मकर संक्रांति नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, ठीक है इसको ध्यान रखेंगे। तो तीसरा गलत हो गया। इसमें सही विकल्प को चुनना है जवाहर सेतु बिहार, कोलिया भमोरा असम और वेम्बनाड केरला, तो तीनों ही ठीक हैं। यहां पे हमारे पास दो क्वेश्चन एक साथ हैं, कितने पूर्वोत्तर के राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? 5 राज्य हमारे ऐसे हैं मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और वेस्ट बंगाल, ठीक है। फिर है कि म्यांमार भारत के साथ अपनी कितने किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है? तो ये जो बाउंड्री म्यांमार के साथ है 1643 किलोमीटर ग्राउंड है, ठीक है। और बाकी जो बड़े से छोटा हमारा बाउंड्री का ग्राउंड है तो उसका शॉर्ट ट्रिक है 55। सबसे बड़ी किसके साथ है? बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल। इसको भी मैप एक बार देख लीजिए।
हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रही विलारिका ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फेमस है ये यहाँ पे साउथ अमेरिका में, चिली में। हाल ही में किसको पेटा इंडिया, एक समूह है ना जो ये हमारे एनिमल्स के वेलफेयर से संबंधित विषयों पे काम करता है, तो 2023 का पर्सन ऑफ द ईयर किसको घोषित किया इन्होंने, ठीक है? तो पेटा इंडिया ने घोषित किया है दिया मिर्जा को, जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन की सुविधा हेतु कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इसका नाम है ये प्रयास, ठीक है? इसका फुल फॉर्म भी बताया गया था, प्रमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स, ऐसे करके था कुछ। फिलहाल पोर्टल का नाम ध्यान रखेंगे। स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, ये थीम है किसका? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023। तो ये कब मनाया गया कुल मिलाकर के पूछा गया यही, तो ये होता है 24 दिसंबर को। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी नाथन लियोन टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज बने हैं? तो इस तरह के रिकॉर्ड भी अक्सर कई बार मतलब पूछे जा सकते हैं। तो नाथन लायन क्रिकेटर हैं कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। तो ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार 2023 में सुमित अंतिल ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार जीता। तो ध्यान रखेंगे, पहले दिव्यांग पुरस्कार में ये अवार्ड इनको मिला है, और ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं जेवलिन थ्रो, है ना, आपका जो भाला फेंक का गेम होता है। सुशासन दिवस प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 25 दिसंबर को। दिसंबर 2023 में भारत सरकार और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्होंने किस राज्य में शहरी सेवाओं और पर्यटन संबंधित सुविधाओं को बेहतर करने के लिए $100 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पिछले वीडियो में भी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, मतलब बताया था, तो वो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के किस प्रोजेक्ट के लिए एडीबी के साथ जो है समझौता हुआ था भारत सरकार का, ये जरा कमेंट करके बताइएगा, ठीक? और फिलहाल इसमें जो ये $100 मिलियन हैं, ये त्रिपुरा के साथ हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में बताया था अभी हाल ही में कि ब्लैक टाइगर केवल उड़ीसा के सिमलीपाल बाघ अभयारण्य में मिले हैं। और तो पहले ये ध्यान रखिएगा कि सिमलीपाल बाघ अभयारण्य कहाँ पे है? उड़ीसा में। और जो ब्लैक टाइगर्स मिले हैं इनकी कुल संख्या पूछी गई, तो ये हैं कुल 10, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक। यहाँ पे हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट करके बताइए, कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।